नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। बांग्लादेश में अभी तक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है, जिसके कारण 7,200 से अधिक भारतीय छात्र हाल ही में भारत लौट आए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि 19,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जिनमें 9,000 छात्र शामिल हैं। भारतीय दूतावास ने लोगों को किया सतर्क। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ चेतावनी जारी की है, जो अमेरिकी भारतीयों से वीजा और पासपोर्ट सेवाओं के नाम पर अधिक पैसे वसूल रहे हैं। दूतावास ने प्रवासी भारतीयों से अपील की और कहा कि नागरिकों को ऐसे बेईमान एजेंटों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मनीष सिसोदिया को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह फैसला सुनाया। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था और वह अब जमानत पर बाहर आएंगे। विवेक सागर को सरकार देगी 1,00,000 रुपए। एमपी सरकार ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को 1,00,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीडियो कॉल पर उन्हें बधाई दी और भारतीय टीम की सफलता की सराहना की। जल्द ही फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से होगा भुगतान। स्मार्टफोन यूजर्स जल्द ही अपने फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से यूपीआई पेमेंट्स कर सकेंगे, जिससे पिन डालने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। एनपीसीआई ने इस नई सुविधा के लिए बायोमेट्रिक फीचर पर काम शुरू कर दिया है, जो डिजिटल लेन देन को और भी सुरक्षित बनाएगा। अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते पर उठे सवाल। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच रिश्तों को लेकर अफवाहें तेज हो गई हैं, क्योंकि दोनों हाल ही में अलग अलग जगहों पर नजर आए हैं। जहां ऐश्वर्या राय न्यूयॉर्क में सोलो वेकेशन पर हैं, वहीं अभिषेक पेरिस ओलंपिक में अकेले दिखे और सोशल मीडिया पर उनकी अकेली की तस्वीर वायरल हो रही है। अब ये अफवाहें तेज हो गई है कि अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। गूगल डीप माइंड ने बनाया स्मार्ट टेबल टेनिस रोबोट। दुनिया में टेक्नोलॉजी लगातार समय के साथ एडवांस हो रही है। एआई के क्षेत्र में भी लगातार काम हो रहा है। इसी कड़ी में गूगल डीप माइंड के रिसर्चर्स ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। रिसर्चर्स ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो टेबल टेनिस को बड़े अच्छे से खेल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से गई 42,000 लोगों की जॉब। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपने कार्यबल में 11% की कटौती की है, जिससे करीब 42,000 लोगों की नौकरी चली गई है। यह कदम लागत में कटौती और रिटेल सेक्टर में आई गिरावट के कारण उठाया गया है। जया बच्चन और सभापति धनखड़ के बीच बहस। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सपा सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें जया बच्चन ने सभापति की टोन और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज़ बंद करने पर आपत्ति जताई। वहीं धनखड़ ने जवाब में कहा कि जया बच्चन को अपनी जगह की अहमियत समझनी चाहिए और उनकी टिप्पणी को अस्वीकार किया। अब एक्सप्रेसवे की तरह होगी ट्रैक, रेलवे ने बताया खास प्लान। रेलवे सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ रहा है। ट्रैक पर किसी तरह की अवरोध नहीं आए, इसके लिए सेफ्टी फेसिंग लगाई जा रही है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। वंदे भारत एक्सप्रेस 130 किलोमीटर के रफ्तार से चलती है। इससे बचाने के लिए रेलवे ट्रैक पर सेफ्टी फेसिंग लगाई जा रही है। 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। भारत में 9 अगस्त को पहली बार 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल अहमदाबाद से मुंबई के बीच शुरू हुआ। इस ट्रेन की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। यह नया ट्रायल वंदे भारत की बढ़ती रफ्तार और आधुनिकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 4 नॉमिनी रख सकेंगे बैंक खाता धारक, लोकसभा में पेश हुआ बिल। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बैंककारी विधियां विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें बैंक खाता धारक के नॉमिनी की संख्या 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रस्ताव किया गया है। विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक के पेश किए जाने का विरोध किया। यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2024 के लिए शेड्यूल जारी।
संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो 20, 21, 22, 28 और 29 सितंबर को आयोजित होगी। परीक्षा दो पालियों में सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक होगी। उम्मीदवार परीक्षा का शेड्यूल यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। HDFC बैंक की UPI सर्विसेज 3 घंटे के लिए रहेगी बंद। HDFC बैंक ने ग्राहकों को सूचित किया है कि उसकी UPI सेवाएं 10 अगस्त की रात 2:30 बजे से सुबह 5:30 तक मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगी। इस दौरान बैंक के आधिकारिक ऐप और थर्ड पार्टी UPI ऐप्स जैसे गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से लेन देन प्रभावित होंगे। ग्राहक इस अवधि के दौरान UPI लेन देन करने में असमर्थ रहेंगे। आपके घर के कितना नज़दीक है आधार सेंटर, जानिए। आप अपने नज़दीकी आधार कार्ड सेंटर का पता पोस्टल पिन कोड के जरिए UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर लगा सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड का एड्रेस ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आधार सेंटर जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नीतीश कुमार और JDU को बचाने में किया अहम योगदान, PK का बयान। प्रशांत किशोर ने बिहार के CM नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर भाग गए थे, उनके नेता उनकी मदद मांगने आए थे। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया कि उन्होंने नीतीश कुमार की मदद करके उन्हें और JDU को बचाया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया ने तैयार किया मास्टर प्लान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी के तहत भारत 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक कैनबरा के मनुका ओवल में प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ 2 दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगा। इंस्टाग्राम यूजर्स को मिले नए विकल्प। इंस्टाग्राम ने कैरोसेल पोस्ट की लिमिट को बढ़ाकर 20 फोटो या वीडियो कर दिया है, जो पहले 10 थी। यह नया अपडेट 2017 में लॉन्च किए गए कैरोसेल फीचर्स का बड़ा अपग्रेड है। यूजर्स और क्रिएटर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म ने यह बदलाव किया है। सोने चांदी की कीमतों में उछाल। आज 9 अगस्त 2024 को सोना और चांदी के भावों में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने का रेट 69,296 प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी के दाम 89,920 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। मक्खन जैसी हो जाएंगी देश भर की सड़कें। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में अपने गेम चेंजिंग प्लान का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों को और बेहतर बनाने की तैयारी है। इसके लिए हमने बड़ा प्लान बनाया है और हमारा मकसद देश भर की प्रमुख सड़कों को अप टू डेट करना है, ताकि वाहन चालकों को परेशानी न हो और सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सके। RBI का बड़ा फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में जानकारी दी कि जन धन और बेसिक बचत खाते को बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक केवल उन मामलों में जुर्माना लगाते हैं जहां ग्राहक अपने अन्य खातों में जरूरी रकम नहीं रख पाते हैं। भारतीय शेयर मार्केट में निवेशकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। भारतीय शेयर बाजार में तेजी के चलते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या पहली बार 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। पिछले 5 महीनों में 1 करोड़ नए निवेशक जुड़े हैं, जबकि 25 साल में 4 करोड़ निवेशकों तक पहुँचने में समय लगा था। सांसद संजय यादव ने मोदी सरकार पर बोला हमला। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर INDIA नेताओं का संसद में प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में RJD के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हस्तिनापुर की गद्दी के लिए पाटलिपुत्र से समर्थन तो ले लिया, लेकिन बिहार को दिया कुछ नहीं। कटिहार रेल मंडल में बड़ी रेल दुर्घटना टली। कटिहार रेल मंडल अंतर्गत कुमेदपुर स्टेशन के पास केरोसीन टैंकर लेकर जा रही मालगाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। घटना में किसी तरह की जानहानि का नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। पटना मेट्रो को शुरू करने की कवायद तेज। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी या मोइनुल हक स्टेडियम तक मेट्रो सेवा अगले वर्ष शुरू होगी, जिससे यातायात में सुधार होगा। DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसकी जानकारी दी है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के VC पर राजभवन का डंडा।
बिहार के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर आर के सिंह को राजभवन ने प्रिंसिपल बहाली में गड़बड़ी के मामले में शो कॉज नोटिस जारी किया है। यह नोटिस विधानसभा के मॉनसून सत्र में भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद जारी किया गया। पारस ने बीजेपी पर रालोजपा को तरारी सीट देने का बनाया दबाव। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बीजेपी से अपने हक की मांग करते हुए बिहार के तरारी विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी रालोजपा का दावा पेश किया है। रालोजपा के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि पार्टी को यह सीट स्वाभाविक रूप से मिलनी चाहिए। गंगा नदी की बढ़ती लहरों से पटना में अलर्ट जारी। पटना में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई घाट जलमग्न हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क मार्ग से गंगा के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया और विभिन्न घाटों का दौरा किया। कर्म का फल भोगने को तैयार रहे लालू। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पटना जिले की दीघा विधानसभा सीट के विधायक संजीव चौरसिया ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी करनी का फल भोगने को तैयार रहे, क्योंकि जेल तो जाना ही होगा। गया धाम के विष्णुपद मंदिर विवाद में पटना हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने गया धाम के विष्णुपद मंदिर से जुड़े 47 साल पुराने कानूनी विवाद में पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए गया पालों की याचिका को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने इसे धार्मिक सार्वजनिक ट्रस्ट मानते हुए गया पालों की निजी संपत्ति से इनकार किया। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गोनर शर्मा, नीतीश कुमार सिंह, रजा कुमार, वरुण कुमार, परमात्मा सिंह। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ओलंपिक में इस बार भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दें। धन्यवाद।